Hello students, let's solve this question. The solution of two simultaneous equation 2x plus y equal to 8 and 3y plus 4 plus 4x is. Okay, तो यहां पर हमें दो equations दी गई हैं और कहा जा रहा है कि इनको solve करके दे दीजिए, इनका solution मांग रहे हैं. चलिए start करते हैं, बहुत ही simple है ये. तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास given equations क्या हैं या given क्या है इस question में, वो लिख लेते हैं. So, given is equations are 2x plus y equal to 8. Alright. And the second equation is 3y equal to 4 plus 4x. This is our equation. तो जो मैं method use करना चाहता हूँ इसमें वो है elimination. सबसे simple method होता है वो. और सबसे easy उससे कम कैलकुलेशन की हेल्प से वो फटाफट सॉल्व हो जाता है. चलिए एलिमिनेशन की हेल्प से हम इसको यूज करेंगे. और वैसे भी यहाँ कोई मेथड मेंशन नहीं है तो इसलिए हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं. तो देखिए, तो जो इक्वेशन है हमारे पास हम उनको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं. 2x plus y equal to 8. Just say this is the equation number 1. Alright. And the second equation अगर हम उसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इट इज 4x minus 3y equal to minus 4 and say this is a equation number 2. Alright. तो अगर आप elimination method लगाना चाहते हैं और लगाते हैं तो आपको क्या करना होता है, किसी एक variable के coefficient को same करना होता है. तो आपके ऊपर है कि आप किसको same करना चाहते हैं. आप चाहे x के coefficient को same कर दीजिए, आप चाहे y के coefficient को same कर दीजिए. तो यहाँ पर मेरे हिसाब से x के coefficient को same करना ज्यादा easy है, तो मैं x के coefficient को same करता हूँ. ठीक है, तो मेरे को बस first equation ही चेंज करनी पड़ेगी. तो मैं यहां लिख लेता हूं, इट इज मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे करेंगे आप, 2 से. तो अगर आप इसे फर्स्ट इक्वेशन को 2 से करेंगे तो इट विल बी 4x. ओके, और ये 4x और 4x x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा. तो चलिए जब हम इसको करेंगे तो हम इसको यहां लिख लेते हैं किस तरह से. देखिए 2x plus y equal to 8 और हम यहाँ पे दिख देते हैं कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं. और सेकेंड इक्वेशन को हम एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज 4x minus 3y equal to minus 4. इसको हम कुछ नहीं कर रहे, तो हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा दिस मल्टीप्लाई करने पे दिस 2 into 2x वी विल गेट 4x. अगेन 2 इंटू वाई दिस इज प्लस 2y एंड 2 इंटू 8 लास्ट इट इज 16. और नीचे वाली इक्वेशन एज इट इज रहेगी 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 4. सो नाउ वी नीड टू एलिमिनेट, जिसके कॉफिशियंट सेम हो जाते हैं उसको एलिमिनेट करते हैं. कैसे, बाय चेंजिंग द साइन. अभी आप नीचे वाली इक्वेशन के जो टर्म्स हैं उसके साइन चेंज कर दीजिए. यहाँ पे 4x पॉजिटिव है तो दिस विल बी नेगेटिव, या 3y नेगेटिव है तो दिस विल बी पॉजिटिव. ओके, दिस इज माइनस 4 तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, तो अब देखिए इसको सॉल्व करना कितना आसान है. माइनस 4x प्लस 4x कैंसिल, तो हियर वी गेट 2y प्लस 3y दैट इज 5y इक्वल टू 16 प्लस 4 दैट इज 20. सो यहां से हमें y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, एब्सोल्युटली y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4. तो देखिए यहां से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे, so y is equal to 20 upon 5 and we will get 4. okay, तो अब हमें क्या करना है, अब हम इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 में इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे. पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1. और जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, वो है 2x plus y 2x plus y equal to 8. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी. तो यहां पर आप y की वैल्यू को पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 2x plus 4 equal to 8 and here you will get 2x equal to 8 minus 4. और आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखते हैं. सो यू विल गेट 2x equal to, ओके, 2x equal to 4 and x equal to. राइट,
सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो अब हम अपना फाइनल सॉल्यूशन लिख देते हैं, यहां लिख दीजिए। सो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए, इट इज एक्स इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल टू फोर। सो ऐसे में हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। ऑलराइट, थैंक यू।